जाइए प्रताप भीम। सारथी रुको, तुम मेरा मार्ग न रोको अनुज, क्योंकि तुम्हारा वध करके मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि तुम धर्म की परिभाषा जानते हो। दुर्योधन का अहंकार मेरे हाथों तुम्हारे 20 भाइयों का वध करवा चुका है, इसलिए मेरा मार्ग न रोको अनुज, मेरे मार्ग से हट जाओ। आप जानते हैं भ्राता भीम कि आज मैं आपके सामने से नहीं हट सकता। किंतु तुम तो ये भी जानते हो अनुज कि युद्ध में तुम विजय नहीं पा सकते। मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि इस युद्ध में हस्तिनापुर की पराजय निश्चित है, फिर भी मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। मैं भ्राता श्री दुर्योधन को नहीं त्याग सकता, इसलिए प्राण त्यागने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे आगे बढ़ जाने दो अनुज, मैं भूला नहीं हूँ कि तुमने दुर्योधन का द्रुत क्रीड़ा में किस तरह विरोध किया था। वो भी मेरा कर्तव्य था भ्राता भीम, और आज आपसे युद्ध करने खड़ा हूँ ये भी मेरा कर्तव्य है। तो ठीक है, फिर तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। सावधान। सारथी रथ आगे लो। तनिक ठहरो सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, तनिक ठहरो। मैं अपने 21 भाइयों के रक्त में नहाए हुए शूरवीर को आंख भर के तो देख लूं, जो स्त्री 5-5 पुरुषों के साथ रहती हो वो पत्नी नहीं वेश्या होती, और वेश्या का मान क्या और अपमान क्या, ये यहां नग्न भी लाई जाती तब भी अनुचित ना होता।
की आशा न थी। सात्विकी से मेरा युद्ध चल रहा था और तुमने पीछे से आघात किया। ये कायरता तुम्हें किसने सिखाई? क्या आचार्य द्रोण ने या आचार्य कृप ने या तुम्हारे सारथी वासुदेव ने? वीरता और कायरता के विषय में बोलना आपको शोभा नहीं देता है महावीर। क्या ये कायरता नहीं? क्या आप एक मूर्छित योद्धा का वध कर रहे थे? क्या मेरे पुत्र अभिमन्यु के शव पर चारों ओर नाचना उन वीरों को शोभा देता था? क्या वो वीरता थी? आप मुझसे कुछ मांगने आई थी और मैं आपको दे नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। किंतु मैं आपको रीते हाथ नहीं जाने दूंगा। आप पांच पुत्रों की माता हैं और ये तो मेरे, आपके और सूर्यदेव के अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि आप छह पुत्रों की माता हैं। तो हे माता, युद्ध का परिणाम जो भी हो, आपके पांच पुत्र जीते अवश्य रहेंगे। यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा, और यदि वो वीर गति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूंगा। आपके पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी, माते नहीं बिगड़ेगी।